बुधवार को मुजफ्फरनगर में यातायात पुलिस द्वारा शिव चौक के निकट लगाए जा रहे डिवाइडरों का नगर के व्यापारियों ने कड़ा विरोध करते हुए इन डिवाइडरों को 24 घंटे के भीतर हटवाने की चेतावनी प्रशासन को दे डाली। व्यापारियों का कहना था कि यदि प्रशासन 24 घंटे के भीतर इन डिवाइडरों को नहीं हटवाता तो वह कल सुबह 11 बजे अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर उनकी चाबी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप देंगे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर यातायात पुलिस द्वारा भगत सिंह रोड की ओर से आने वाले यातायात को नियंत्रित करने हेतु पहले से ही डिवाइडर लगी सड़क को और भी छोटा करते हुए पुनः इसी सड़क पर डिवाइडर लगाकर सड़क को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, जिस कारण सड़क की चौड़ाई काफी कम रह जाने के चलते सड़क पर लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बुधवार को व्यापारी नेता राकेश त्यागी के नेतृत्व में क्षेत्र के व्यापारियों ने यातायात पुलिस द्वारा कराए जा रहे इस काड़े का विरोध करते हुए इन डिवाइडरों को हटवाने की मांग जिला प्रशासन से की। व्यापारियों का कहना था कि इन डिवाइडरों को लगाने के बाद सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है, जिसके चलते इस क्षेत्र में जाम की स्थिति बन रही है और इसका सीधा असर क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों के व्यवसाय पर पड़ रहा है। इसके अलावा पूर्व में प्रशासन के साथ व्यापारी संगठनों की हुई बैठक के दौरान 28 फीट से कम चौड़ी सड़क पर डिवाइडर नहीं लगाने पर सहमति बनी थी, परंतु यहां पर यातायात पुलिस लगभग 16 फीट चौड़ी सड़क पर ही डिवाइडर लगाते हुए अपनी मनमानी करने पर उतारू है, जिसका सभी व्यापारी कड़ा विरोध करते हैं। वे यदि प्रशासन द्वारा 24 घंटे के भीतर इन डिवाइडरों को नहीं हटवाया जाता तो क्षेत्र के सभी व्यापारी कल सुबह 11 बजे अपनी दुकानों को बंद कर चाबियां प्रशासन के हवाले कर देंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए व्यापारी नेता राकेश त्यागी ने बताया। हाँ जी, हमारे जयंत प्रकाश जी अध्यक्ष हैं शिव मार्केट व्यापार संगठन संबंध उत्तर प्रदेश दो व्यापार संगठन के। मेरे नेतृत्व में आज राकेश त्यागी नाम है मेरा, नगर अध्यक्ष व्यापार उत्तर प्रदेश दो व्यापार संगठन। सभी लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब ये डिवाइडर लगे थे तो यहाँ पे बिल्कुल जाम लग गया और ये सब लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे, इन्होंने धरना दिया। तभी जब मैं मुझे फ़ोन किया, मैं तुरंत आया तो तभी यहाँ पर जो रूप किशोर शर्मा जी हैं TI, वे आए। हमने उन्हें कहा कि या तो कल आप 11 बजे तक इन्हें हटवा दें, अन्यथा हम आपको चाबी सौंप देंगे। आप जिस, इन्होंने कहा कि आप बड़े अधिकार, हमने कहा आप बड़े को कहोगे, जिसे आप कहोगे हम उन्हें चाबी सौंप देंगे, दुकान हम परमानेंट बंद कर देंगे, क्योंकि ये तय हुआ था। मैं वही कहना चाह रहा जी, आप मीडिया वाले भी मौजूद थे, आपके समक्ष ये तय हुआ था व्यापार संगठनों के साथ में कि भाई जहाँ 28 फीट की रोड है वहाँ पर डिवाइडर लगेगा। ये आप रोड नाप लो, अगर ये 28 फुट हो तो यहाँ डिवाइडर लगा दो, 28 फुट है ही नहीं। डिवाइडर लगने से व्यापारियों को कितनी दिक्कत आ रही है? ये लगने से यहाँ पे बिल्कुल जाम हो रहा है जी, यहाँ कुछ भी ना तो रिक्शा निकल पा रही, यहाँ दो स्कूटर बराबर नहीं निकल पा रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ लग रही, जाम लग रहा लगातार, यहाँ तो ग्राहक तो आ नहीं पाएगा जी बिल्कुल। दुकान से कितने दूर ये डिवाइडर लगाए गए हैं? दुकानदार से 10 फुट भी नहीं है जी, 10 फुट की जगह भी नहीं, 8 के करीब है, 8 फुट के करीब जगह है। बताओ 8 फुट में क्या हो जाएगा? व्यापारी दुकानदार कितने की मांग करता है? हम तो वही 28 फुट की है जी, 28 फुट है तो 14 फीट पे डिवाइडर लगे। अगर ये नहीं हटते हैं तो नहीं हटते हैं तो चाबी सौंप देंगे जी हम, कल सब दुकानदार जो हैं अधिकारियों को चाबी सौंप देंगे जी। काम नहीं चल रहा बिल्कुल नहीं, जो वो अतिक्रमण हट जाएगा, हटवा जाएगा।